हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्रिएटिनिन टेस्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसका जो टेस्ट का नाम है किडनी फंक्शन टेस्ट, या फिर डायरेक्टली आप क्रिएटिनिन लिख के भी टेस्ट करा सकते हो, जिससे ये डायग्नोस होता है कि किसी मरीज का किडनी किस तरीके से काम करता है या किडनी फेलियर तो नहीं हो गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो आप आसानी से घर बैठे आप किडनी फंक्शन रिपोर्ट को देख सकते हो, जो सबसे मेन होता है क्रिएटिनिन। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि क्रिएटिनिन होता क्या है। दोस्तों, क्रिएटिनिन बनने से पहले हमारा बॉडी में लीवर, किडनी एंड पैंक्रियास से क्रिएटिन रिलीज होता है, ठीक है। ये हार्मोन निकलता है, ये इसका क्या काम है, क्रिएटिन का इसका काम है दोस्तों, हमारा बॉडी में ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, मसल्स में स्ट्रेंथ लाता है, ठीक है। इसका मार्केट में आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट भी मिलता है, जो बॉडी बिल्डर लोग यूज करते हैं। तो क्रिएटिनिन बनने से पहले ये क्रिएटिन फॉर्म में रहता है, जो एक हमारा बॉडी में मेटाबोलाइज होकर एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, जब इसका नाम है क्रिएटिनिन। तो ये हमारा बॉडी में जब मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनता है, फिर जब ये पूरा ऑल ओवर द बॉडी में घूम के जब किडनी को जाता है, फिर क्या करता है किडनी, इसको इस क्रिएटिनिन को छान के यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो यही होता है क्रिएटिनिन से क्रिएटिनिन बनने का प्रोसेस। ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसका हमारा बॉडी को कोई जरूरत नहीं है। यही अगर आपका किडनी अगर काम करना बंद कर दे, तो ये किडनी में क्रिएटिनिन का मात्रा बढ़ते लगता है, और ये जितना ज़्यादा मात्रा बढ़ेगा क्रिएटिनिन का, तो ये उतना ज़्यादा आपका किडनी को डैमेज करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम रिपोर्ट को देखते हैं कि मैन में इसका क्या वैल्यू होता है नॉर्मल रेंज, वुमेन में क्या होता है नॉर्मल रेंज, एंड चिल्ड्रन में क्या होता है नॉर्मल रेंज, एंड टीनेजर में क्या होता है नॉर्मल रेंज। ये वीडियो तो पूरा एंड तक देखिए, तो पूरा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों, उस पर स्क्रीन पर आपको एक ग्राफ दिखाई मिल रहा होगा, आप देख सकते हो जो मैन है उसका जो क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो 0.6 से लेकर 1.2 तक है। आफ्टर दैट जो वुमेन का जो रेंज है वो है 0.5 से लेकर 1.2 तक, एंड थोड़ा सा नीचे आप आओगे तब आपको दिखाई मिलेगा टीनेजर्स का जो रेंज है दोस्तों वो है हमारा 0.5 से लेकर 1.0 तक, एंड नीचे में आपको दिखाई मिलेगा चिल्ड्रन यानी बच्चों में उसका रेंज क्या होता है। तो आप देख सकते हो, तो बच्चों में जो उसका रेंज है 0.3 से लेकर 0.7 तक। तो दोस्तों, ये रेंज डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मेल कुछ और अलग होता है, फीमेल्स कुछ अलग होता है, टीनेजर्स का मैच्योरिटी अलग होता है, एंड बच्चों में कुछ अलग होता है। सब कुछ डाइट के ऊपर है, खान पान के ऊपर होता है कि जो जितना ज़्यादा खाएगा उस हिसाब से इसका मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसका ऐसा डाइट रहेगा, ये ज़्यादातर नॉनवेज लोगों में प्रॉब्लम करता है क्योंकि नॉनवेज में ही क्रिएटिन पाया जाता है, एंड वो ज़्यादा फॉर्म में क्रिएटिनिन बनता है। दैट्स व्हाई आपको जब किडनी का कुछ भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर आपको नॉनवेज, ऑयली फूड, ये सब आपको छोड़ने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो बस आई होप किडनी फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट में यही देखा जाता है, क्रिएटिनिन लेवल को दिखाया जाता है, जिससे ही पता चलता है कि किडनी आपका डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो से आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, एंड जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सही अगेन वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।